नमस्कार आपण मानकु आमर यूट्यूब चैनल जरिया के स्वागत करूछे। आज आम चाष उपरे कथा हमा आउ चाषी उपरे कथा हमा। चाष उपरे कथा हबार लगी तीन टा विषय उपरे आम चर्चा करमा। पहला हला धान, द्वितीय हला कपा आउ तृतीय हला प्याज उपरे। धान कपा आउ प्याज चाष हबार भित्रे केन माने लाभ नेसन आउ चाषी रो अवस्था काणा थीसी आउ चाषी के स्थिति रे रहसी। प्रथम कथा हला धान। जेते बेले वर्षा आरंभ हो जीवा बड़ चाषी के छाड़ी देला परे जारने आनुषंगिक सुविधा अछि, ट्रैक्टर अछि, आधुनिक जंत्रपाती रो सुविधा अछि, से चाषी उपरे आमे चर्चा नै करबार। जिन माने छोट चाषी 7-8 एकड़ जमीन रो जिन मानकर कम अछि, जिन माने क्षुद्र चाषी आउ जिन माने नाम मात्र चाषी तो वर्तमान किए भी नहीं, कारण से माने आउ जमी रे चास करी करी कमे खाइबे से स्थितिटा वर्तमान समानकर नै न। बिल्कुल धान चासटा जेते बेले करा हेसी महाजन पक्के जेई करी एका चास रो प्रक्रिया चासी आरंभ करसी। बिहन ताकि किणवागे पड़ुछे, ट्रैक्टर लगी पैसा देवागे पड़ुछे, जमी सजावार लगी जेन श्रमिक लगावे कुलीभूति लगावे समानकर लगी पैसा देवागे पड़ुछे। तो पैसा जेहेतु गोटे चाष रो प्रक्रिया रे मुख्य हो जाइछे, तो से दृष्टिकोण रु चाषी पैसा लगी महाजन उपरे एका निर्भर करसी। आर महाजनटा से जे कि चाष लगी फाइनान्स करवा, चाषी के पैसा दवा आउ चाषी पाखु अमल हो सारा पर फसल आकार रे टंका के हिसाब करवा, निजर ऋण सुध सब जुड़ी करी कटा बछा करी करी चाषी के जिन स्वल्प मूल्य पाइबा ता चाषी के दवा। ये प्रक्रिया रे चाषी कौनसी प्रकार सरकार रो धार्य मूल्य हिसाब रे व्यापारी के देने पारे गुटे कारण इटा। आउ से जेहेतु जणकर पाखु क्रमागत 4-5 मास पैसा आनी छे, जणे लोकर पाखु तार काम करी छे पैसा आनी करी, से लोक के निश्चित हिसाब रे निजर फसल दबा। इटा गुटे मानविकतार प्रश्न आसी जो छे ई व्यवस्था भितरे। तो मानविकतार प्रश्न जेहेतु आसुछे चाषी सेटा के सम्मान दउछे, किंतु व्यापारी से जिनिस के सम्मान नै दिए, चाषी पाखु अधिकारू अधिका केन्दा करे लाभ निया जाइ पारबा से उपरे तार ध्यानटा रहबा। द्वितीय कथा हला मंडी। मंडी व्यवस्था जेन अछे, मंडी रे जणे चाषी निकरी धान रखला ताहाके टोकन दिया हला। सरकार बार बार कहिछन तुम्हें टोकन पाइगले तुम्हार पैसा पाइगल बोली कर जानो, किंतु से टोकन पाइबार अनेक दिन पर्यंत व्यापारी चाषी पाखे नै आसे। जेते बेले आसवा चाषी रो गुटे एजेंट आसवा, से हाते धान धरी कर कहबा जे इटा एतकी खराब अछे, ये अछे, धान केते कटा हवा, 8 केजी कटा हवा, 10 केजी कटा हवा, इवेन उदाहरण अछे 15 केजी रु भी अधिका धान कटनी रे जीवाटा उदाहरण अछे, प्रेस सामने कहिछन, ऑन रेकॉर्ड अछे इटा। तो शोषण प्रक्रियाटा आउ केन प्रकार हेइथिबा चिंता करा जो पूर्वरु मंडीर अव्यवस्था उपरे चाषी जदि कोनोसी प्रकार प्रतिवाद कला से कथा के सुना जाउथिला, किंतु गत किछि वर्ष हला चाषी मंडीर अव्यवस्था उपरे अभिजोग कले भी कोनोसी प्रकार तार समाधान नै हवा। चाषी मंडीरु विमुख हे सारिछे। तो चाषी पाखे किए अछे? चाषी पाखे व्यापारी जे मध्यस्थी हेसी, जे महाजन एका से एका अछे, बरं दुई पैसा कम करी करी ताहाके दे दिया जाइ पारे, कारण एतकी सरकारी प्रक्रिया सरकारी अवमानना आउ सरकारी कर्मचारी मानकर जेन असहजोग मनोभाव अछे से थिरु चाषी बची जाइ कम पैसा पाई करी बरं महाजन के देदेबा। 15 दिन मंडी रे सुइबार अपेक्षा किछि टंका कम करी करी जदि से महाजन के दे दउछे
ବେଲେ ମଣ୍ଡି ଅପେକ୍ଷା ମହାଜନ ହେଉଛେ ତା ଠାନୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ। ମହାଜନର ବର୍ଚ୍ଚସ୍ୱ ରହିବା ଏଇନା, ଆଉ ବର୍ଚ୍ଚସ୍ୱ ରହୁଛେ ବି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା କପା। କପା ଚଳିତ ବର୍ଷ କପା ଚାଷ ଆଦୌ ନାହିଁ, 10-15% ଚାଷୀ କପା ଚାଷ କରିଛନ୍। କାରଣ ହେଲା କପାରେ ବି ତଦ୍ରୁପ ଅବସ୍ଥା, ବିହନ ସାର ସବୁ ହଲ ନଙ୍ଗଲ ଏଇସବୁ କରି କରି ଚାଷୀ ମହାଜନର ଭରସାରେ ରହିବା, ଆଉ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ମହାଜନକେ ଏକା ନିଜର ଉପଜଟା ଦେବା। ମହାଜନ ସେ ଉପଜକେ ନେଇକରି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକେ ସେ ରପ୍ତାନି କରବା, ପାଖେ ଜିନିଙ୍ଗ ମିଲ୍ ଅଛେ ସେନ ଦିଆ ହେବା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ କରବା, ଯେନ୍ମାନେ କି ଧାନରେ ମହାଜନୀ କରସନ୍, କପାରେ ବି ସେମାନେ ମହାଜନୀ କରସନ୍। ମହାଜନୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାକେ ଚାଷୀ ଆସିଗଲା ପରେ ଅବମୂଲ୍ୟାୟନ ହେବାରଟା ନିଶ୍ଚିତ କଥା। ତାର ଯେନ୍ ପଇସା ଆଣିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାର ସୁଧ ମୂଳ କରିକରି ଦେବାଟା ନିଶ୍ଚିତ କଥା। ଆଉ ଯେନ୍ ମହାଜନକେ ଦେବା ସରକାରୀ ଧାର୍ଯ୍ୟ ମୂଲ୍ୟଠୁ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଦେବା, ଇଟା ବି ନିଶ୍ଚିତ କଥା। ତ ଅନୁବନ୍ଧିତ ହେଇଯାଏସି ସେ ଯେତେବେଳେ ମହାଜନର ଦ୍ୱାରେ ଯିଗରି ଠିଆ ହେଉଛି। ଧାନ ଆଉ କପା ପାଖାପାଖି ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଉପଜ ହେସି, ଆଉ ଏକା ସାଙ୍ଗେ କାରବାର ହେସି, ଆଉ ଏକା ପ୍ରକାରେ କାରବାର ହେସି। ତ ଧାନ ଲାଗି ମଣ୍ଡି ଅଲଗ, କପା ଲାଗି ମଣ୍ଡି ଅଲଗ, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡିକେ ପହଞ୍ଚିବାର ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀ ନିଜର ସବୁ ଉପଜକେ ମହାଜନକେ ଦେଇସାରିଥିସି। ତୃତୀୟ ଫସଲ ହେଲା ପିଆଜ। ଧାନ ଅମଲ ସରିସାରିଲା ପରେ ପିଆଜ ଚାଷ କରାହେସି। ପିଆଜ ଚାଷରେ ବି ତଦ୍ରୁପ ଅବସ୍ଥା, 3-4 ମାସର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଚାଷୀ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡିକେ ନେଉଥିଲା ପିଆଜ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବାହାରର ବେପାରୀ ଆସିକରି ଚାଷୀର କ୍ଷେତେ ଗାଡ଼ି ଲଗେଇକରି ନେଉଛନ୍। ଯେନ୍ଟା କ୍ଷେତରେ ପିଆଜ କୁଡ଼ିଲା, ଟ୍ରକ୍ରେ ଲଦିଦେଲା, ପଇସା ପାଇଗଲା, କମ୍ ବେଶୀ ସେତେବେଳେ ଆଉ ନେଇ ଦେଖେ, ସେଟା ବି ମହାଜନ ସେ କାମ କରବା। ବେଲେ ଗୋଟେ ମହାଜନୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଷକେ ଅକ୍ତିଆର କରିନେଇଛନ୍, ଆଉ ଚାଷୀକେ ଅକ୍ତିଆର କରିନେଇଛନ୍। କପାର ଯେନ୍ ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଯେ 10-15% କପା ଚାଷ ହେଇଛି ବୋଲିକରି, ତାର କାରଣ ହେଲା ଗତ ବର୍ଷ ଯେନ୍ ବେପାରୀମାନେ କପା କିଣିକରି ନିଜେ ଗୋଦାମରେ ରଖିଥିଲେ, ଷ୍ଟୋର୍ କରିକରି ରଖିଥିଲେ, ଖରାବେଳେ ଏକା ସେମାନେ ରପ୍ତାନୀ କରିବେ କିମ୍ବା ବେପାରୀକେ ଦେବେ, ବଡ଼ ବେପାରୀକେ ଦେବେ, ଲକଡାଉନ ଘୋଷଣା ହେଇଗଲା, ଆଉ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ତାଙ୍କର କପା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବିକ୍ରି ନାଇଁ ହେବାର। ଫଳତଃ ଯେହେତୁ କିଛି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ କପାର ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛେ, ବେପାରୀ ବି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଅଛେ ଯେ ଇଟା ଯିବା କି ନେଇ, ଯେନ୍ ଗୋଡାଉନରେ ଚାଷୀନୁ ଆଣିକରି ଯେନ୍ କପାଟା ରଖିଦିଆ ହେଇଛେ ସେଟା ଯିବା କି ନେଇ ସେଥି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ସେମାନେ ବଜାରକେ କମ୍ ବିହନ ଆଣିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅପପ୍ରଚାର କରାହେଲା ଯେ ଯିଏ କପା ଚାଷ କରବା ତାହାକେ ସରକାର ବାନ୍ଧି ନେବା ବୋଲିକରି, ଅତି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗାଁମାନଙ୍କେ ଏସବୁ ଅପପ୍ରଚାର ହେଲା, ଆଉ ବିହନ କମ୍ ମିଳିଲା। ଯେନ୍ମାନେ ପରମ୍ପରା କରିଦେଇଛନ୍ କପା ଚାଷକେ ସେମାନେ ହିଁ କଲେ, କିନ୍ତୁ କପା ଚାଷ ହେବାର ଫଳ ନା, ଯେନ୍ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ହେଉଥିଲା, ଯେନ୍ ତୈଳବୀଜ ହେଉଥିଲା, ତାର ସଂଖ୍ୟାଟା ତାର ପରିମାଣଟା ବହୁତ କମିଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଫସଲ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଉପଜ ଯଦି ହେବା ବେଲେ ସେନ ଗୋଟେ ଯେନ୍ ପୁରୁଣା ସିଷ୍ଟମ ଆଜି ବି ଗାଁମାନଙ୍କୁ ଅଛେ ସେଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କପା ଯେହେତୁ ଖାଦ୍ୟ ନେଇସେ ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଡାଲିର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛେ, ତୈଳବୀଜର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛେ, ଆଉ ଇ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିକେ ଅଟକାବାର୍ ଲାଗି କୌଣସି ଲୋକର ପାଖେ ଉପାୟ ନେଇକି ଚାରା ନେଇ, ଗୋଟେ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭିତରେ ଚାଷୀକେ ରଖିଦିଆ ହେଇଛେ। ଆଉ ସେ ବ୍ୟୁହ ଯେନ୍ମାନେ ରଚନା କରିଛନ୍ ସେମାନେ ମଧ୍ୟସ୍ଥିଏ, ବେପାରୀଏ, ଆଉ ମହାଜନ। ଆଉ ମଧ୍ୟସ୍ଥି, ବେପାରୀ, ମହାଜନ ଇମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଗୋଟେ ହିଁ ଲୋକ। ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଉପଜର ଯେନ୍ MSP ଥିଲା, ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଥିଲା, ଯେନ୍ ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେନ୍ଟାକେ ଆଲୋଚନା କରିକରି ଗୋଟେ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଘୋଷଣା କରା ହେଉଥିଲା, ସେଟା ଗୋଟେ ପଦରେ ଛିଡ଼େଇଦେଲେ ଯେ ଚାଷୀ ଚାଷର ଖର୍ଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟର 1.5 ଗୁଣରୁ କମ୍ ନେଇ ହେବାର କଥା ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟଟା, ସରିଗଲା ସରକାରଙ୍କର କାମ। ତାର ପରେ ଚାଷୀ
जहाँके चाहबा बाहर राज्य के भी से बिकी पार्बा आउ से फसल घिनबा मुख्यतः धान से घिनबा जार पाखे खाली पान कार्ड अछे। ई दुईटा जिन कथा हला जे चासी मूल्य निर्धारण करबा चासी बाहरे भी बिकी पार्बा आउ चासी जहाँके भी बिकी पार्बा आउ से लोक किणवार लोकर पाखे कागजात बोले खाली गोटे पान कार्ड रहबा। जेन महाजन माने किणुछन जेन महाजन माने पैसा लगे आसछन चास रे सेमाने ही किणबे। तो सरकार चाषर जेन तीन टा अध्यादेश आनी करी गोटे मध्यस्थी प्रक्रिया महाजनी प्रक्रिया और शोषण प्रक्रिया के खाली वैधता प्रदान कले आउ चासी लगी कोनोसी प्रकार उन्नति नहीं करी किंबा चासी लगी कोनोसी प्रकार सेटा के चिंता करा नहीं जी। जितेबले कहा हुचे जे चासी निजर मूल्य निजे स्थिर करवा किन आड़ स्थिर करवा चासी जहाँ के कहले पहले ताहा के बिक्री करी पारवा फसलटा मंडी रे मंडी पर्यंत चासी जदि निजर उपज के नहीं पारुछे बोले प्रदेश के बाहर प्रदेश के से नवा केना करी। तो बहुत प्रश्न आउ ई प्रश्न रो जिन सरल उत्तर होचे सेटा होचे महाजन से बाहर प्रदेश के नहीं पार्बा से पान कार्ड रखीचे से चासी ठारु किणी पार्बा से चासी सांगे मिसी करी मूल्य ठीक करी पार्बा अर्थात चासी महाजन सांगे अनुबंधित हो जीवा आउ महाजनी प्रक्रिया के खाली इटा गोटे वैधता मिली। तार परवर्ती कथा हला जे चासी कार सांगे मिसी करी चास करी पार्बा निश्चित से लोकटा ही महाजन हेथिबा। कंपानी जदि इने आसवा आउ चास करवा कंपानी संगे चासी अनुबंधित हवा बोले से कंपानी शहेटा चासी पाक्के जीवार अपेक्षा गोटे महाजन के रखबा आउ महाजन के खाली गोटे परिचय पत्र देवा जे ओमका कंपानी रो ये होचे प्रतिनिधि प्रक्रिया तदनुरूप चलवा। आउ जिन बड़ बड़ कथा कहा होचे जे चासी निजर मूल्य निजे स्थिर करवा इत्यादि जिन कथा कहा होचे ई कथा गोटे कहवारे गोटे नियम रे आउ गोटे लिखित आकार रे सुंदर दिशे आउ जिन माने तृणमूल स्तर रे जिन मन कर संपर्क नेना आउ चासी रो कथाटा से माने कविता कि गप कि खबर रे पढ़ुछन किंबा आलोचना रे सुनुछन से चासी नुहे। चासी रो अवस्था बहुत सांघातिक जिन माने तलके आसिकर देखबे चासी चास परवर्ती समय रे भी इना जीवन धारण करी कर रहबार अछे ताहा के निजर आनुषंगिक औषध वस्त्र व्यवहार अन्यान्य सामाजिक प्रक्रिया अछे अनुष्ठान अछे सबू अछे बहुत खर्च अछे चासी रो से सबू थिरे जिन अनुबंधित हवा जिन पैसा रो चलप्रचल हवा पैसाटा ग्रासरूट रे नहीं पैसाटा मध्यस्थी मानकर पाखे अछे तो से माने चासी के नियंत्रण करवार लगी सुविधा होचे। जेतेबेले महाजन जदि चाहबा कम कपा चास हवा कम कपा चास हवा जेनता चलित वर्ष होइछे तो ई सबु प्रक्रिया के आमे जेतेबेले धीरे धीरे देखुछु आउ चासी ई प्रकारे जदि रहला मंडी के से केबे भी नहीं जाए मंडी रु विमुख हो सारीछे सरकार उपरे तार कोनोसी प्रकारे भरोसा नहीं रहे आउ सरकार उपरे भरोसा करबा का करी कारण सरकार तो ताहाके स्वाधीनता दे देले तो सरकार कही पारबे जे तुम्हें एटा बुझब कारण तुम्हें उपज करूछ तुम्हें एका सब तुम्हें तार मालिक है चासी पाखे कोनोसी उत्तर नहीं थाए आउ शोषण प्रक्रियार कोनोसी दंडविधान नहीं रहे। तो इज दृष्टिरु आमे जदि देखुछु चासी के उद्वास्तु करवार उद्घोषणा हेछे तीनटा अध्यादेश आनी करी तारु आउ अन्य अधिका किछि लाभ नै हेबार मध्यस्थी मानकु जार अभिजोग हे आस्तिला कलाबाजारी होचे अंडर रेट होचे बोली कर जे जेन मानकर उपरे आक्षेप करा होतिला किमा अभिजोग करा होतिला से लोक मानकु से लोक मानकर काम के गुटे वैधता मात्र दिया हेछे। तो वर्तमान परिस्थिति रे समस्ते मिसी करी गोष्ठी विचार करी करी गाँव रे विचार करी करी चासी भाई माने निजर उपाय निजे एका देखबे कारण सरकार कहि दिसन तुम्हें स्वाधीन तुमर उपज लागी बोली करी निश्चित से स्वाधीनता के गोटे गोष्ठी होई करी चासी माने सामना करबार समय एटा राज रास्ता के सबू चासी ओल्हई आसछन प्रतिवाद करूछन आउ अन्य प्रकार भी प्रतिवाद करा जाय पारे गोष्ठीगत होकर गाँव में महाजनी प्रक्रिया समाप्त करी करी
चास रो अन्य व्यापार आउ अन्य प्रकारे से माने गुटे दृष्टि देवार समय एटा बोली करी आमे विचार करूछू।